आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ऐसे कौन कौन से योगा हैं, ऐसी कौन कौन सी डाइट है और किस तरह से हम अपनी डिलीवरी को नॉर्मल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खान पान का। यदि हम अच्छा खाते हैं, हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स हैं, तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है वेट मेंटेन करके रखना। नॉर्मल डिलीवरी में जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें जो वेट होता है वो 12 से 18 किलो का वेट बढ़ना चाहिए। उससे ज्यादा यदि वेट बढ़ जाता है, लेडी यदि ओवरवेट हो जाती है, तो फिर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वजन बढ़ने से डिलीवरी होना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा वेट है, जो आइडियल वेट है, वो हमारा वेट होना चाहिए और उस आइडियल वेट से 12 से 18 किलो तक हमारा वजन बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में। यदि उससे ज्यादा बढ़ता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमें हमेशा डीप ब्रीदिंग लेनी चाहिए, हमेशा योगा करते रहना चाहिए और डिलीवरी के टाइम पे लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग लेने से क्या होता है कि जो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल रहता है, और जब हमारा शरीर का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहता है तो हमें पेन्स भी कम होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, इतना पानी पीना चाहिए कि कम से कम एक दिन में 10 से 12 गिलास पानी। उसके बाद मेंटली हमें एकदम खुश रहना चाहिए। यदि हम किसी तनाव में रहते हैं, किसी टेंशन में रहते हैं, तो उसकी वजह से जो बेबी है वो नीचे की तरफ डिसेंड नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, इन सब की जानकारी तो होनी ही चाहिए, साथ में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज में हमें कौन कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए, तो एक होता है पर्वतासन, है ना, पर्वतासन करना चाहिए। दूसरा होता है बटरफ्लाई आसन करना चाहिए, चेयर पोज वाला आसन करना चाहिए, और एक होता है उत्थानन आसन। ये आसन करने से भी हमें नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमें नॉर्मल डिलीवरी करवाना है तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है और सारी एक्टिविटीज करना है घर की। पिछले जमाने में ऐसा होता था कि जो लेडीज होती थी वो बैठकर पोछा लगाती थी, झाड़ू लगाती थी, बैठकर ही सारे काम होते थे, लेकिन आजकल की जो सेडेंटरी लाइफ है, इस लाइफ में जो भी लेडीज होती हैं वो हमेशा हर काम खड़े होकर ही खाना बनाना, खड़े होकर ही सारे काम करते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, है ना। इस तरह से जो आजकल की जो सेडेंटरी लाइफ है वो लाइफ बहुत ही आरामदायक हो गई है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, हम हमारी बॉडी एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी को बढ़ाएं, मेंटल एक्टिविटी को बढ़ाएं और इन सारी चीजों का ध्यान रखकर हम हमारी डिलीवरी को नॉर्मल करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।